हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बिहारी लड़की ब्लॉग्स। तो आज मैं एक न्यू रेसिपी लेकर के आई हूँ और वो है चने दाल का दाल पूड़ी। इसे हम लोग अपने साइड दाल पूड़ी बोलते हैं। और चलो रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो देखो यहाँ पे मैं चना दाल को भिगा कर रखी हूँ। तो ये देखो मैं दाल को सोख होने के लिए रख दी थी। दाल बिल्कुल अच्छे से फूल चुका है। तो अभी इसे कुकर में डालते हैं। तो कुकर में भी डाल करके, और ये देखो मैं सारे दाल को कुकर में डाल दी। और अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ हल्दी। बिल्कुल थोड़ा सा ही हल्दी यूज़ करना है हमें, बहुत ज़्यादा भी नहीं डालना है। और ये देखो मैं इसमें डाल रही हूँ नमक। हल्दी नमक डालने के बाद इसमें बिल्कुल थोड़ा सा पानी डालना है, बहुत ज़्यादा भी पानी नहीं डालना है, क्योंकि इसे मुझे बिल्कुल ही ड्राई बनाना है। तो बहुत ज़्यादा अगर वो पानी रहेगा तो फिर वो सही नहीं लगेगा, मतलब वो बहुत ज़्यादा फिर पानी हो जाएगा तो फिर वो एकदम लिक्विड सा पेस्ट हो जाएगा। तो मुझे बिल्कुल अभी ड्राई रखना है चना दाल को। तो ये देखो मैं मिक्स कर ले रही हूँ। और पानी डालने के बाद इसमें मैं एक चार पत्ता डाल रही हूँ और थोड़े से काले मिर्च, और साथ में इसमें डालना है जीरा, वो बिल्कुल खड़ा जीरा डालना है। और ये देखो यहाँ पे मैं डाल दी। और ये देखो यहाँ पे मैं लाल मिर्च भी डाल रही हूँ इसमें तीन तीन। और चलो फिर अभी इसे बॉईल करने के लिए रखते हैं। इसमें मैंने बहुत थोड़ा सा ही पानी रखा है, तो चलो बॉईल करके मिलते हैं। और ये देखो मैं कुकर को फ्लेम पे रख रही हूँ, और बहुत तेज़ आंच में भी मुझे नहीं पकाना है, मैं इसे फ्लेम को मीडियम पे रखूँगी अभी। तो चलो अभी इसे सीटी आने तक इसका वेट करते हैं, और मुझे अभी चार पाँच सीटी लगने तक इसे पकाना है। ये देखो गाइस चना बिल्कुल सीज चुका है। तो चलो अभी देखते हैं कि ये कैसा है, ड्राई हुआ है या नहीं। और आप देख सकते हो पानी बिल्कुल ही सूख चुका है नीचे, आपको दिख रहा होगा। और बस आपको इस तरह से ऐसे कर कर इसे बिल्कुल बारीक पेस्ट कर लेना है। और आप हाथ से भी देख सकते हो काफ़ी अच्छा हो गया ये तो। और आपको दिख रहा होगा ये बिल्कुल ही ड्राई है, बिल्कुल ही पानी नहीं है। आप चाहो तो इसे मिक्सर ग्राइंडर में एक बार अच्छे से मिक्स कर सकते हो, तो मैं वो भी आपको करके दिखाऊंगी। और अगर हो सका तो मैं हाथ से ही इसे कर लेती हूँ। मैं ग्लास के हेल्प से ग्लास पकड़ती हूँ, उसे ऐसे ऐसे दबा करके इसे अच्छा सा पेस्ट बना लेती हूँ। तो चलो मैं दिखाती हूँ अभी आपको। और ये देखो ये चना बिल्कुल ही ठंडा हो गया है, और इसे मैं अभी मिक्सर ग्राइंडर में डाल करके एक बार चला लूँगी, ताकि ये सब जो मैं डाली थी ना गोलकी वगैरह उसमें, तो ये अच्छे से पिस जाएगा। तो चलो अभी इसे ड्राई ही इसे मुझे पेस्ट बनाना है, मैं इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं ऐड करूँगी। और ये देखो मैं जार में डाल दी हूँ, और इसे अभी एक बार ग्राइंड कर लेती हूँ। और ये देखो काफी अच्छा सा पेस्ट हो गया, ये आपको दिख रहा होगा काफी अच्छा पेस्ट हो चुका है। तो चलो अभी इसे पहले अच्छे से निकाल लेते हैं। ये देखो यहाँ पे मैं हाथ से एक बार अच्छे से इसे मिक्स कर रही हूँ, क्योंकि मैंने जो गोलकी वगैरह डाला था ना वो इसमें अच्छे से पिस चुका है। तो इसे अच्छे से एक बार हाथ से मिक्स कर लेते हैं। और ये देखो बिल्कुल ही अच्छा हो गया ये। ये देखो यहाँ पे मैं आटा लगा ली हूँ। तो यहाँ पे देखो मैं कढ़ाई रख दी हूँ, और इसमें अभी मैं ऐड कर रही हूँ सफोला ऑयल फ्राई करने के लिए। तो मैं एक एक करके ही फ्राई करूंगी, इसलिए मैं ज्यादा भी नहीं इसमें ऑयल डाली हूँ। और अभी इसे रखते हैं गरम होने के लिए तेल को। गैस को फ्लेम को ऑन कर दिए हैं। तो चलो अभी बताते हैं कैसे स्टफिंग किया जाता है। ये देखो यहाँ पे मैं थोड़ा सा आटा ले ली हूँ, और इस आटे को पहले अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है ऐसे करके हाथ से, और फिर मैं इसे छोटे छोटे लोइयां इसे काट लूंगी इस तरीके से। आप मोटा पतला अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हो, लेकिन बहुत मोटा भी अच्छा नहीं लगता। और ये लोइयां बना करके मैं इसे आटे में ऐसे एक बार डाल दी, और इसे हाथ के हेल्प से इस तरह से राउंड करते जाना है। और जब ये राउंड हो जाएगा तो इस तरह का स्ट्रक्चर में आएगा, और उसमें फिर हमें ये डाल करके और इसे भर देना है। जो मैंने दाल पेस्ट बनाया था ना वो इसमें मैं डाल दूंगी, और इस तरह से हेल्प से आपको राउंड सा बिल्कुल लड्डू के जैसा राउंड कर लेना है, और जो एक्स्ट्रा पार्ट बचे उसे निकाल देना है बाहर, और फिर से इसे हाथ के हेल्प से आपको ऐसे राउंड करना है, और इसे ऐसे प्रेस करेंगे जब ये राउंड हो जाएगा। तो
ठीक है, ये राउंड हो गया और इसे फिर से एक बार बर्तन में लगा करके हम इसे बेल लेंगे। बहुत ही हल्के हाथों से बेलना है, बहुत दबा दबा कर हमें प्रेस करके नहीं बेलना। तो ये देखो हमारी दाल पूड़ी रेडी हो गई, अभी ये कच्ची है, अभी इसे पकाना बाकी है। और ये देखो बिल्कुल ही राउंड है ना, काफी अच्छी सी। तो चलो इसी प्रोसेस से और भी बनाते हैं। बिल्कुल गरम हो गया, पहले मैं थोड़े से आटे को डालकर चेक करूंगी कि तेल गरम हुआ है या नहीं हुआ है। तो आपको दिख रहा होगा तेल बिल्कुल अच्छे से गरम हो चुका है। तो चलो अभी इसे निकाल लेते हैं और अभी गैस के फ्लेम को अभी कम कर देंगे क्योंकि इसमें मुझे पूरी डालना है, तो थोड़ा सा गैस के फ्लेम को कम ही रखना है। और देखो यहाँ पे मैं पूरी डाल रही हूँ, बिल्कुल आराम से डालना, नहीं तो आपको छींटे पड़ सकते हैं तेल के, क्योंकि तेल गर्म है ना, तो थोड़ा सा आराम से डालना आप लोग। और ये देखो बिल्कुल ही खिली खिली पूड़ियाँ बनेगी अभी। ये आपको दिख रहा होगा बहुत ही अच्छा सा स्मेल आ रहा है इसका, ये देखो कितनी अच्छी कलर आई है। अभी और भी खिलने वाली है, तो चलो मैं इसे अभी एक बार इस तरह से टर्न कर देती हूँ। और ये देखो पूड़ी बिल्कुल अच्छे से खिल चुकी है, आपको दिख रहा होगा, देखो बिल्कुल खिली खिली सी पूड़ियाँ हैं। अभी इसे मैं और थोड़ा सा गोल्डन कलर आने तक इसे अभी फ्राई करूंगी क्योंकि इतना हल्का कलर अच्छा नहीं लगेगा खाने में। और आप भी अगर ऐसे बनाओगे तो ये बिल्कुल पूरी नहीं फटेगा, नहीं तो अगर आप हाथ से प्रेस करके भी बना सकते हो, लेकिन आटे को थोड़ा सा सॉफ्ट रखना तो ये पूरी बिल्कुल नहीं फटने वाला है। और ये आप देख सकते हो बहुत ही अच्छा है, थोड़ा सा भी देखो इधर कलर कितना खूबसूरत आया है। और ऐसे ही करके मैं दूसरी वाली पूड़ी को भी फ्राई कर लूँगी। तो चलो अभी इसे निकालते हैं, ये पूड़ी ऑलरेडी रेडी है निकलने के लिए। ये देखो मैं इसी तेल में दूसरे वाले पूड़ी को भी डाल रही हूँ, बिल्कुल आराम हाथों से डालना है। और ये रही हमारी पूड़ी जो अभी मैं तलकर निकाली ना, ये देखो काफ़ी अच्छी सी। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ इसे तोड़ करके भी, ये कितना अच्छा बना है। और ये देखो इस पूड़ी को भी अब इस तरह से, क्योंकि मैं इसमें बहुत ज़्यादा भी तेल नहीं डाली हूँ, मैं आपको पहले ही बताई थी कि मैं एक एक कर फ्राई करूँगी, एक ही बार बहुत सारा नहीं डालकर फ्राई करूँगी। और ये देखो इसलिए मैं तेल उतना ही रखी हूँ जिसमें एक पूरी हमारा डूब सके तेल में, क्योंकि बहुत जब तेल बच जाता है ना तो वो फिर वेस्ट हो जाता है तेल, तो मैं उतना ही तेल रखी हूँ जितना में मेरा एक एक पूरी मैं तल के निकाल सकूँ। और ये देखो आपको दिख रही होगी बिल्कुल खिली खिली सी पूड़ियाँ, वाओ कलर बहुत ही अच्छा आया इसका, आप देख सकते हो। और सबसे अच्छी बात ना, ये पूड़ी बिल्कुल नहीं फटी है। जो बिगनर्स होते हैं जिनको नहीं आता बनाने, वो इस प्रोसेस से ही बनाए, उनसे पूड़ी बिल्कुल नहीं फटेगा। और जिनको आता है वो भी इस प्रोसेस से बना सकते हैं, ये बहुत ही अच्छा होता है और बहुत अच्छे से क्विक एंड फास्ट बन भी जाता है। तो चलो इसे भी निकाल लेते, ये भी हो चुका है। और ऐसे करके आप भी एक्स्ट्रा जो तेल है ना वो इसमें ऐसे करके आप निकाल सकते हो। और ये देखो चलो अभी मैं तोड़ कर दिखाती हूँ ये कैसा है। और ये देखो हमारी दो पूड़ियाँ बिल्कुल रेडी है, मैं इसे अभी तोड़ कर आपको दिखाती हूँ। ये देखो आपको देख करके ही पता लग रहा होगा, ये वाओ दिख रहा है आपको, ये देखो काफी अच्छा है। और ये लेयर भी आप देख सकते हो कितना बारीक पतला है, बहुत मोटा भी नहीं है ये, और काफी सॉफ्ट है, आपको हाथ से तोड़ने से ही पता चल रहा होगा ये काफी सॉफ्ट है। तो ये देखो मैं इसी प्रोसेस से इतने सारे पूड़ी को फ्राई कर ली, और एक अभी इसमें भी है, और ये बहुत ही अच्छा बना है, आपको टच करने से ही पता चल रहा होगा, ये देखो बहुत अच्छा है। तो चलो और बचा हुआ पूड़ी को भी फ्राई कर लेते हैं, मैं यहाँ पे बेल कर रखी हूँ। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और थैंक यू फॉर वॉचिंग।